हम सुरक्षा से बाहर फिरे, कोई भी हमारे को कोई भी हरासमेंट ना हो। यही नहीं हो रहा बीजापुर में, अगर बहुत जगह हो रहा है तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे हालात हो रहे हैं उसमें रुकावट हो, रेप का ही नहीं, बाहर घर में क्या देखो ये जहेज के नाम पर होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं कि बेटियों को दबा ही जा रहा है। क्यों बेटियाँ बाहर नहीं घूम सकती? बेटियों को अच्छे से रहना कोई हक नहीं है? बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और अच्छे से इनको दहेज भी दो, दहेज के नाम पर भी रोका जाए, माँ बाप की परेशानी को समझा जाए। बस हमारा इतनी हमारी डिमांड है कि हम सख्त कानूनी कार्रवाई हो और औरतों को महफूजी मिले, सेफ्टी से औरतें घूमे फिरे, औरतों को कोई भी रुकावट ना हो। क्या कर सकती है औरत आज? तो घर में भी उसकी हालत ऐसी है कि वो खुद बाहर के घर में जाकर कहे नहीं काम कर को पेट भराने का। औरतों के अंदर कुछ भी रूल्स नहीं है, सारी औरतें परेशान है, हिजाब में रहकर भी बाहर घर में जाकर काम करना, और घर में रहकर भी हर काम को अंजाम देना, फिर भी औरत महफूज नहीं है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर परेशानी है ही है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, अगर औरत को महफूज रखेंगे तो औरत अच्छे से जी सकती, औरत अच्छे से रही तो घर भी जन्नत बन सकता, समाज एकता औरत ही है, औरत ही एक मर्द को दुनिया में लाती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम औरतों को समझे, हम औरतों के हालात को समझे, हम पर भी रहम फरमाए, हम पर भी रहम करे, हम औरतों के लिए बस सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाए, हम पर कोई भी परेशानी ना इस तरह का हमें कानून बना कर दे। जिस तरह से आए दिन अत्याचार महिलाओं पर बढ़ रहे हैं इसकी क्या वजह? क्या ये तो वो लोग हमें समझ रहे नहीं, हमारे हालत को ऐसे समझ रहे हैं कि औरत नरम है, औरत कुछ नहीं कर सकती, औरत में क्या सिर्फ नरमा की है, मगर औरत बन पर आई ना आज की नारी सब पर भारी, बहुत औरत अपनी आवाज उठा सकती, औरत अपने हक के लिए बाहर जैसे आज हम आए ना रोड पर हर वक्त भी आ सकती है, औरत में कोई कमी नहीं है, औरत में बहुत सी क्वालिटी है, औरत बाहर आ भी सकती है। मेरा नाम बीबी आयशा मुल्ला, विम इंडिया वाइस प्रेसिडेंट। नाम ध्वनि गगन आलिसी।